दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर डिडवी टिकर हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बल, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। नाहन मंडल की सुरला पंचायत में प्रधान उप प्रधान के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। यहां ग्रामीणों ने पढ़े लिखे उम्मीदवार को जिताने की बात कही ताकि पंचायत का समूचा विकास हो सके। पंचायती राज चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन क्षेत्र के कई पंचायतों में प्रधान उप प्रधान के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसी कड़ी में नाहन मंडल की सुरला पंचायत में शुक्रवार को प्रत्याशियों ने उप प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए। यहां क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस बार वो ऐसे उम्मीदवार को जिताएंगे जो पढ़ा लिखा हो, लोगों के काम करवाने में सक्षम हो। ग्रामीणों का कहना है कि वह लोग ऐसे उम्मीदवार को जिताएंगे जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचा सके और उसका लाभ उन्हें दिला सके। उम्मीदवार अमन ठाकुर ने भी आज नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने कहा कि यदि जनता का सहयोग उन्हें मिला तो क्षेत्र के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि जनता का भरपूर सहयोग मिलता नजर आ रहा है। आइए इस संबंध में पूरी बात करते हैं सुरला के उप प्रधान प्रत्याशी अमन ठाकुर जी से। सुरला से उप प्रधान पद के उम्मीदवार के तौर पे नामांकन भरने आया हूँ। मैं प्रभु जनता के आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ। मैं जिन मुझे लड़ाई, निजी लड़ाई मुझे किसी से नहीं लड़नी। अगर लड़ाई लड़नी है तो मुझे विकास की लड़ाई लड़नी है। अगर सब सहयोगी, सब प्रभु जनता हमारी पंचायत की मेरा सहयोग करेंगे तो हम जिन जिन कार्यों को करने में सक्षम होंगे हम उसके ऊपर खरा उतर के दिखाएंगे। ये मैं सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा आशीर्वाद मुझे देंगे तो मैं सभी जनता के तत्पर 24 आवर मैं उनके बीच में हाजिर रहूँगा। ऐसी मांगे हैं कि पंचायत में ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं हो सकते हमारे को जमीनी स्तर पे जाने के लिए, क्योंकि मैं 2 साल से 3 साल से जो है, इतने सालों से हमने इतनी बड़ी पंचायत होगी, आज तक हमने जमीनी स्तर पे देखा ही कुछ नहीं। जब मैंने अपनी पंचायत का काम करते करते जाके जगह जगह देखा तो कोई भी घर किसी रास्ते से नहीं जोड़ा गया, कोई भी घर किसी लाइट से नहीं जोड़ा गया, कोई भी रास्ता नहीं बना गया, मतलब जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। पट्टिका में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं लेकिन ये गरीब जनता है, इनको क्या पता हो क्या रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्रजा का राजा ऐसा हो जो अपनी प्रजा के पेट पे लात नहीं मारेगा। तो हम सभी जनता से यही आशीर्वाद चाहेंगे कि अगर आप लोग मुझे इस कार्य करने के लिए सक्षम समझेंगे तो आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हम ग्राम पंचायत सुल्ला में आए हैं। जैसे कि पंचायती चुनाव का बिगुल है वो बज चुका है। लोगों से बस हमारी यही अपील रहेगी कि पंचायत के अंदर जिस व्यक्ति में योग्यता हो, सक्षम हो और काम करने के प्रति उसमें लगन हो, सिर्फ उसी को एक मौका दिया जाए। और पंचायत के अंदर ऐसी चाहे भारत सरकार ले लो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, प्रदेश सरकार ले लो, बहुत सी योजनाएं होती है जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। और जो मतलब जो समिति में भी जो मेंबर बनेगा यहाँ पर, बस उसके अंदर यही होना चाहिए कि काम कराने की एक इच्छा होनी चाहिए, एक उसके अंदर जुझारूपन होना चाहिए और जन जन तक, लोगों तक जो जो ये स्कीम्स होती हैं उन तक उनको पहुंचाया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। हम चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत सुरला में ऐसा प्रधान, उप प्रधान या ऐसी मतलब कि कोई व्यक्ति चुन के आए जो हमारी दूर दराज की पब्लिक को अनेकों अनेक सुविधाएं दे सके। जो हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो स्कीमें होती हैं उनको गरीब जनता तक सुविधाएं जोड़े और उनका उत्थान करे। कहीं ऐसा ना हो कि वो सुविधाएं फाइलों तक ही सीमित रह जाए। तो हम चाहते हैं कि ऐसा प्रधान और उप प्रधान ऐसा काबिल चुने जिससे समस्त जनता का उत्थान हो सके। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें।